सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जैसे किसी किताब को थोड़ी दूर से साफ साफ पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर आँखों को किताब से सटा दिया जाए तो हम किताब का एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाएंगे। उसी तरह जिंदगी को इतने करीब से नहीं देखना चाहिए कि हर चीज धुंधली दिखाई देने लगे। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा और विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। आज का पंचांग 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:38 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 9:20 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:17 से 1:50 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भाद्रपद अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:38 से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगी। इस साल जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 6 सितंबर को सुबह 9:20 से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। जन्माष्टमी 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को कब मनाएं? 6 सितंबर को गृहस्थ जीवन वालों को 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और रात्रि पूजा में पूजा का शुभ मुहूर्त भी बन रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म रात में ही हुआ था। 7 सितंबर वाली पंचांग के अनुसार इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा का अलग विधान है और इस दिन दही हांडी उत्सव भी मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त श्री कृष्ण पूजा का समय 6 सितंबर रात्रि 11:57 से 12:42 तक रहेगा, जिसकी पूजा अवधि 46 मिनट तक रहेगी। मेरा से 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार। आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेगी, लेकिन चिंता ना करें, सब अच्छी रहेगी। लेकिन चिंता ना करें, सब अच्छी खबरें ही होगी। जिन कई चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, वे आज पूरी होने वाली है। जिन कोशिशों को आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे, वे अनंतः आज सफल होगी। इसीलिए आज दोस्तों और प्रियजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। आपको अपने मेहनत और प्रयासों के उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। भाइयों के साथ बीती हुई नकारात्मक गलतफहमियां दूर होगी तथा संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। आप काफी हद तक सुकून और शांति महसूस करेंगी। दूसरों की खामियां देखने से बेहतर होगा कि अपनी खामियां दूर करें। आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। गलत बातों के साथ समझौता न करें, सही तरीके से काम करें तो बेहतर रहेगा। काम संबंधित गलतियां सुधारें। काम में बदलाव करने की कोशिश सफल होगी। दूसरों की वजह से रिलेशनशिप के लिए नाराजगी बढ़ सकती है। गले की खराश और एलर्जी की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, किसी भी तरह का लेन देन करने से पहले सोच विचार अवश्य करें, वरना कोई आपकी बातों का गलत फायदा उठाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। घरेलू खर्चों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। संतान पक्ष की ओर से कोई नकारात्मक बात का पता चलने पर धैर्य से समाधान ढूंढने की कोशिश करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय परिवार के लिए भी निकालना आवश्यक है। व्यवस्था बनाए रखने में जीवन साथी का सहयोग करना जरूरी है।
कई मुद्दों पर उनकी राय आपके लिए लाभदायक साबित होगी। आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है ऐसा आपको लगेगा। आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती है, क्योंकि अच्छे हमसफर इतने आसानी से नहीं मिलते, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं। बात करते हैं करियर की। आज किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए अच्छा दिन नहीं है। हालांकि अगर आप परीक्षा में बैठ रही हैं, तो किसी नकारात्मक विचारों को अपने पास ना आने दें। आप आगे बढ़ें और आपकी शक्ति और सकारात्मकता आपकी कुंडली से किसी भी नकारात्मक प्रभाव से लड़ सकती है। आज पैसे उधार ना दें, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। बड़ी राशि उधार देने से बचें। व्यावसायिक कार्यभार को व्यवस्थित करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का सहारा लें। इससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और समय का भी बचाव होगा। आज बाहरी गतिविधियों और संपर्क सूत्रों से किसी भी प्रकार का व्यापारिक अनुबंध ना करें, क्योंकि कोई धोखा हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। अपने दैनिक रूटीन में स्वास्थ्यकर आदतें शामिल करने का समय आ गया है। संकल्प ले कि आप एक महीने में सारी स्वास्थ्यकर आदतें अपना लेंगे। अगर इसमें सफल हो जाए तो इसे करते रहें जब तक कर पाए, लेकिन शुरुआत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोझ न डालें। एक सुझाव यह है कि अधिक पानी पिए। कोशिश करें कि हर रोज कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। आज का उपाय। आज अब भगवान कृष्ण या ठाकुर जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।